बल्लभ कॉलेज में पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग द्वारा राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसकी कॉलेज की कार्यवाहक प्राचार्य सीमा बाबा ने अध्यक्षता की। कार्यक्रम में पत्रकारिता विभाग द्वारा कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भाषण प्रतियोगिता, क्विज प्रतियोगिता शामिल रही। पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग अध्यक्ष चमन प्रेमी ने बताया कि राष्ट्रीय प्रेस दिवस के अवसर पर पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले और पत्रकारिता के दौरान शहीद हुए मीडिया कर्मियों को याद किया गया और श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन्होंने कहा कि बल्लव कॉलेज मंडी में यह कार्यक्रम दो दिन तक चलेगा और वर्तमान पत्रकारिता और आधुनिक पत्रकारिता पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। बल्लव राजकीय महाविद्यालय मंडी में पत्रकारिता और जनसंचार विभाग ने आज नेशनल प्रेस डे आयोजित कर रहा है और आज के प्रथम दिन में बल्लव राजकीय महाविद्यालय के अंग्रेजी विभाग की वरिष्ठ प्रोफेसर और कार्यवाहक प्राचार्य प्रोफेसर सीमा बाबा ने आज के कार्यक्रम की आगाज किया और आज के कार्यक्रम में भारतवर्ष में और दुनिया में जिन पत्रकारों ने पत्रकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किए हैं और पत्रकारिता करते समय अपनी जान की परवाह भी नहीं की, उनको उन सभी पत्रकारों के कामों को आज याद किया गया और उनको जो है इसके ऊपर जो भाव जिसको बोलते हैं श्रद्धांजलि भी उनको अर्पित की गई। आप देखें कि पत्रकार जो है जब पत्रकारिता करता है जमीन के ऊपर, जब दो पक्षों के बीच में युद्ध चल रहा है, तो वो बिना हथियारों के अपनी कलम रूपी हथियार से ही और अपना कैमरा और अपना माइक लेके जो है वो अपने रण क्षेत्र में जो है डटा रहता है और ये मानवता के लिए जो है बहुत बड़ी सेवा है। इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में पत्रकारों ने अपना बहुमूल्य योगदान दिया और जरूरत पड़ने के ऊपर अपनी जान की बाजी भी लगा दी। आप देखिए कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में उस आंदोलन को शक्तिशाली और आगे बढ़ाने के लिए पत्रकारिता ने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते थे कि कोई भी आंदोलन आगे नहीं बढ़ सकता जब तक कि समाचार पत्र जो है उसको आगे ना बढ़ा सके। मैं अकबर इलाहाबादी के शेर से ये बात कहना चाहता हूँ, खेचो ना कमानों को ना तोप निकालो, अगर तोप खेचो ना कमानों को ना तोप निकालो, अगर तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। तो अखबार की बहुत बड़ी प्रासंगिकता है, मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है। इस दुनिया को खूबसूरत बनाने में मीडिया बंधुओं ने बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका का योगदान दिया है। आज बल्लभ राजकीय महाविद्यालय के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, जिसमें लगभग 5 टीमें बनाई गई है, बहिष्कृत भारत, मूक नायक, समता, जनता और इन अखबारों के नाम पर आज ये जो प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता थी इनकी जो है टीम बनाई गई है और अभी जो है क्विज कंपटीशन चल रहे हैं, पोस्टर मेकिंग कंपटीशन हैं, डेक्लामेशन कंपटीशन हैं और विद्यार्थियों के द्वारा बहुत अच्छे जो है कार्यक्रम किए जा रहे हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जा रहे हैं। तो आज का जो सेमिनार था वो मूक नायक से प्रबुद्ध भारत के ऊपर था, जिसमें जो है बहुत विस्तारपूर्वक बताया गया किस तरह से शहीद आजम भगत सिंह स्वयं जो है गणेश शंकर विद्यार्थी के अखबार में छदम नाम बलवंत सिंह के नाम से जो है पत्रकारिता करते थे। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो है भारतीय पत्रकारिता के आधार स्तंभ माने जाते हैं, उनके द्वारा संचालित और संपादित जो अखबार थे जिसमें हम मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत की बात करते हैं, उन्होंने भारतीय जो पत्रकारिता जगत को एक नया आयाम दिया। अब हम देखते हैं कि भारत की पत्रकारिता के क्षेत्र में देखें तो बंगाल गजट जो है भारत का पहला अखबार था जिसको जेमी हैकिलियर ने जो है उसको आगे बढ़ाया और वो उसके पहले संपादक थे। तो उसी तरह से हम दिव्य हिमाचल टीवी के लिए मंडी से विप्लव सकलानी की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल मीडिया ग्रुप अपने पाठकों के लिए एक बार फिर लेकर आया है कौन बनेगा लखपति इनामी कूपन योजना, जिसमें आप जीत सकते हैं 1,00,000 का नकद इनाम, LED, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन और ढेरों आकर्षक इनाम। इनामी कूपन प्रकाशित होंगे दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में, जिन्हें एकत्रित कर भेजना होगा दिव्य हिमाचल कार्यालय। तो आज ही दिव्य हिमाचल समाचार पत्र की प्रति बुक करवाने के लिए अपने नजदीकी हॉकर या न्यूज पेपर एजेंसी से संपर्क करें या फिर हमें कॉल करें 01892264713 पर।